बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय विधानसभा 3 में रोजाना जनसंपर्क के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे इंदौर के दिल में दस्तक भी दे रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये है इंदौर की 3 नंबर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी आकाश विजयवर्गीय, जो इन दिनों सघन जनसंपर्क में जुटे हैं। युवा होने के साथ साथ आकाश इंदौर के दिल में रोजाना जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। कभी जीप पर सवार होकर तो कभी पैदल पहुंचकर आकाश घर घर दस्तक भी दे रहे हैं और विकास की आधारशिला रखने की बात कह रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का आशीर्वाद भी ले लो। बड़ा आशीर्वाद तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा है तो कहीं वे बेटे के समान अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। खास बात यह है कि उनके साथ बीजेपी के नेताओं की एक बड़ी फौज भी चल रही है, जिनमें सुमित मिश्रा, हरप्रीत बख्शी, सुधीर दांडेकर, निखिल खानविलकर, चंद्रभान सिंह सोलंकी, सत्यम सिंह गोल्डी, वैभव शुक्ला, आदेश शर्मा शामिल है। इस दौरान आकाश ने जनता के आशीर्वाद को ही अपनी शक्ति बताया और क्षेत्र की जनता को विकास से जोड़ने का वादा भी किया। देखिए बहुत आज स्नेह लतागंज से प्रारंभ किया और खूब स्नेह मिल रहा है यहाँ की जनता का। पहले कैलाश विजयवर्गीय जी यहाँ के विधायक रह चुके हैं, ये 2 नंबर में आता था तो खूब काम किए हैं। तो छुटपुट समस्याएं लोगों ने बताई है तो 100% बड़ी छोटी छोटी समस्याएं हमारे लिए उसका निराकरण कर देंगे और लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आए ऐसा इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे और लोगों ने उस बात को माना भी और हमें जीत की बधाई भी दी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, उनकी पैनल बनी रहती है हर बूथ की, वो लोग चुनाव लड़ते हैं तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्यकर्ता मजबूत है और भाजपा ने काम बहुत किया है तो जनता पूरी तरह हमारा साथ दे रही है, जो कि हमको मिलने पे साफ साफ समझ में आ रहा है। देखिए इसको पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश की सबसे अच्छी विधानसभा बनाएंगे, ये हमारा सपना है। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं, गार्डन्स और रोजगार, इन सब के लिए हमने एक रोड मैप तैयार किया है जो हम विस्तृत जल्द ही उसकी जानकारी भी देंगे और इस क्षेत्र को पूरे देश का सबसे अच्छा क्षेत्र बनाए। विधानसभा 3 में रोजाना आकाश विजयवर्गीय घर घर पहुंच रहे हैं और बिना किसी दिखावे के अपनी बात जनता के बीच पहुंचा भी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।